जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास नाइन्थ फिजिक्स से वर्नियर कैलिपर का एक टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप क्लास इलेवेंथ में भी, अगर कोई इलेवेंथ स्टूडेंट है तो आप भी इस वीडियो को बहुत प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, क्योंकि सारी चीजें आपको यहाँ पे सेम ही देखने को मिलेंगे, किस तरह से मेजरमेंट, क्या क्या पार्ट, कैसे सब तरह के कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज हम वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर को हम डायरेक्टली डिस्कस करने से पहले आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा मीटर स्केल। ये मैं उसी मीटर स्केल की बात कर रहा हूं जिसका आप यूज करते हैं, जो सेंटीमीटर वाला रहता है आपके पास, 15 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर वाला जो आप स्केल यूज करते हैं जस्ट फॉर लाइन खींचने के लिए या फिर किसी भी तरह की मेजरमेंट करने के लिए नॉर्मल सी, तो उसी स्केल की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये है मेरे पास, हो सकता है आपको प्रॉपर दिख रहा हो, नहीं भी दिख रहा हो देख लीजिएगा अच्छे से, ओके। तो मैं बताना क्या चाहता हूं इसमें, यहां पे आपके पास जीरो से लेकर वन तक है, इसका मतलब ये वन सेंटीमीटर हो गया, राइट। फिर वन से टू एक और सेंटीमीटर हो गया, टू से थ्री एक और सेंटीमीटर हो गया, इस तरह से हम आगे करके चलते जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान से समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं यहाँ पे जीरो और वन के बीच का जितना भी डिस्टेंस है ना, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जीरो है मेरा और इधर मैं कहीं पे वन ले लेता हूं, इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं और कुछ नहीं, जीरो से लेकर वन तक की लाइन, ठीक है ना, सारी चीजें पूरी। तो बीच में मान लेते हैं कहीं एग्जैक्ट जो है वो फाइव हो रहा होगा, उनके बीच में एक दो तीन चार, और इधर से भी आपके पास आ जाएगा एक दो तीन चार, और वो पांचवा खुद हो रहा होगा। ये मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने जीरो से लेकर वन तक की जितनी भी चीजें होंगी वो मैं आपको समझाने के लिए यहां से जूम आउट करके जीरो से लेकर वन तक आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है ना। जूम आउट या जूम इन, जूम करके दिखा रहा हूं, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जूम करने के बाद मेरे पास यहां तक कुछ इस तरह की चीजें आ गई। अब ये जीरो है तो ये वाला पॉइंट कितना होगा पता है, 0.1, ये कितना होगा 0.2, ये कितना होगा 0.3, 0.4, ये 0.5, ये 0.6, ये 0.7, ये 0.8, ये 0.9, और ये फाइनली 1.0 होगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, ठीक है, ओके। अब चीजों को समझिएगा, मैंने जीरो से लेकर वन सेंटीमीटर तक को जूम करके आपको दिखा दिया, ओके। अब ध्यान समझिएगा कि ये इसके जीरो से लेकर वन तक के बीच में कितने टोटल डिविजन्स हैं। मैं यहां पे भी सबसे बात करने वाला हूं लिस्ट काउंट की, लिस्ट काउंट। तो सर लिस्ट काउंट क्या होता है, इसको हटा देते हैं अब। तो अच्छा, लिस्ट काउंट होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट सबसे मिनिमम डिस्टेंस को कितना मेजर कर सकता है, मिनिमम वैल्यू को कितना मेजर कर सकता है। अगर मैं यहां पे इस स्केल की बात कर रहा हूं तो ये मिनिमम वैल्यू को कितना मेजर कर सकता है, उसी को हम इसके लिस्ट काउंट के नाम से जानेंगे। तो कोई भी अगर आपके पास एक सेंटीमीटर स्केल होगा, जिसे हम मीटर स्केल के नाम से भी जान रहे हैं क्योंकि 100 सेंटीमीटर की जनरली बात करते हैं, तो मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है आप खुद देख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक, क्या इससे ज्यादा ये मेजर कर सकता है, जीरो पॉइंट जहां से यहां तक मतलब 0.1 तक। तो 0.1 कितना, किस यूनिट में, सेंटीमीटर तक ये मेजर कर सकता है, बताइए हाँ या नहीं, ठीक है ना। कैसे पता चला, तो क्या होता है मेन स्केल का टोटल एक डिवीजन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि टोटल डिवीजन कितने हैं, तो टोटल डिवीजन 10 है, तो 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है 0.1 सेंटीमीटर, बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत, डन है। तो एक अगर आपके पास एक मीटर स्केल है जो आप यूज कर रहे हो, जनरली सेंटीमीटर स्केल, तो उसका जो लिस्ट काउंट होगा, जो सबसे कम वैल्यू को मेजर कर सकता है, वो है आपके पास 0.1 सेंटीमीटर, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट, ठीक है, ओके। इसे आप एमएम में भी कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 mm होता है, ठीक है ना। कैसे, एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, ठीक है ना, 10 mm। तो ये जो यहां से यहां तक 1 mm है, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, ठीक है ना, 10 mm बन गया, तो टोटल 10 mm हो जाता है, तो उसे हम एक सेंटीमीटर के नाम से जानते हैं। तो एक जो हिस्सा होगा कितना होगा, 1 mm, ठीक है, या तो उसे आप 0.1 सेंटीमीटर बोलेंगे, आपकी मर्जी, दोनों एक ही चीज है। ये तो हमने बात कर ली मीटर स्केल की, कि मीटर स्केल कितना मेजरमेंट दे सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं वही वर्नियर स्केल की, ठीक है ना। चलिए, तो जो वर्नियर स्केल मेजर कर सकता है, यहां पे आपने देखा सेंटीमीटर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, डेसिमल के बाद आपको एक डिजिट मिल सकता है बस, मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप 0.25 सेंटीमीटर की मेजरमेंट करें इस स्केल से, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो लिस्ट काउंट है, जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है, वो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है सेंटीमीटर में,
ठीक है ना। लेकिन मैंने आपसे तो यहाँ पे दो डिजिट की बात कर ली भाई, तो दो डिजिट वाले तो ये मतलब मेजरमेंट करके नहीं दे सकता है ना। चलिए वर्नियर स्केल की हम बात करते हैं। सबसे पहले आप इसका फिगर देखें बहुत ही अच्छे तरीके से, कुछ इस तरह के नजारा आपको जो है आपको ये जो वर्नियर स्केल है वो दिखाता है। सबसे पहले यूज बता देता हूं मैं इसका। तो यूज हम इसको जनरली तीन चार चीजों के लिए यूज करते हैं, एक एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजर करने के लिए, एक इंटरनल डायमेंशन को मेजर करने के लिए, और तीसरी चीज डेप्थ को मेजर करने के लिए। ये तीन इनका जो मेन है, मेन उसके लिए हम उस मेन पर्पज के लिए हम जनरली यूज करते हैं इसी तीन पर्पज, ठीक है। पहला एक्सटर्नल डायमीटर। अब कैसे बात, जैसे ये पेन है तो क्या आप नॉर्मल जो आपके पास मीटर स्केल था चारों तरफ की लेंथ को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप इसका यूज करके कर सकते हैं जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल डायमीटर। क्या बोलते हैं उसको? एक्सटर्नल डायमीटर। फिर हमने आपको बोला कि अब आपको इंटरनल डायमीटर मेजर करना है। इंटरनल डायमीटर का मतलब मान लेते हैं कि जैसे ये है, अब इसके दो डायमीटर होंगे। कैसे, थोड़ा सा पास आकर दिखा देता हूं। एक तो बाहर बाहर से ये पूरा कि यहां से इस वाले बाहर वाले एंड से बाहर वाले एंड तक इतना, तो ये एक्सटर्नल डायमीटर हो गया, ठीक है। अब बात आते हैं इंटरनल डायमीटर। तो इसमें यहां से ये अंदर वाला ये वाला पोर्शन से लेकर अंदर से ये वाला पोर्शन, अब इसको भी मेजर। तो इन सबको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल डायमेंशन, इंटरनल डायमेंशन और एक इनकी डेप्थ। अब डेप्थ की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ग्लास है, या फिर मान लेते हैं मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है। जैसे कि मेरे पास, मैंने बोला ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब की कितनी डेप्थ है, एक तो आप मेजरमेंट लेंगे नॉर्मल स्केल से, मीटर स्केल से, तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ आएगी, ठीक है, दैट्स इट। बट एक्चुअल में ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो थिकनेस है इसकी, वो भी इंक्लूड हो जाएगी उसमें, वो हमें करनी नहीं है। तो हमें एक प्रॉपर मेजरमेंट करने के लिए अंदर से देखनी पड़ेगी इसके जस्ट ऊपर वाले पोर्शन तक, इसके जस्ट ऊपर वाले, ये वाला चीज इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए जो आपके पास यहाँ पे जो थिकनेस है, राइट। तो टोटल हाइट को मेजरमेंट करने के लिए, डेप्थ को, बेसिकली डेप्थ को मेजरमेंट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अब सर करते किस तरह है वो भी हमें समझा दीजिए, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एवरीथिंग ये आई विल एक्सप्लेन यू, नो प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया देते जाऊंगा, मेरे पास फिजिकली भी प्रेजेंट है आपके पास ये, जिसका नाम क्या आपके पास, वर्नियर कैलिपर। फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, यस मैथमेटिशियन, नॉट फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन, जिन्होंने ये उनका नाम था पियर वर्नियर, पियर वर्नियर, ठीक है। तो उन्होंने इनके बारे में सारी चीज बताई थी, तो इसीलिए इसका नाम वर्नियर कैलिपर जो नाम वो रख दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले इनके हम पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो फटाफट देख लें। एक होता है फिक्स्ड जॉ, जैसे कि आप इस वाले डिवाइस को देखें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, इस वाले डिवाइस को, तो इसमें दो जॉ होते हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला जॉ है और एक ये वाला जॉ है, ठीक है ना, दो जबड़े होते हैं, एक ये जो एक ये। अब ये वाला जो है वो फिक्स्ड रहता है, लेकिन ये जो जो ये वाला ये आपके पास मूवेबल रहता है। आप देख सकते हैं इसको, अगर मैं ऐसे इधर पास लाता तो मूव करेगा, ये स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ पे की होता है जिससे हम इधर उधर इसको स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब ये एक फिक्स्ड जो हो गया, तो ये वाला दूसरा वाला जो होता है उसे हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं, वर्नियर स्केल कहते हैं, दैट्स इट। बट इसका नाम क्या है, जॉ के, तो इसको जॉ के हिसाब से मूवेबल जॉ कहते हैं, क्योंकि ये मूव करते रहते हैं, ठीक है, ओके। तो ये जो लंबी सी चीज है, ये वाले बीच वाले पोर्शन का अगर आप छोड़ दें, ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये वाला ये जो इसके ऊपर इधर उधर मूव कर रहा है, अगर आप उसे छोड़ दें, तो बाकी जो पूरा है उसे हम मेन स्केल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेन स्केल, ठीक है, ओके। और फिर हम बात आती है किस पे, ये छोटे वाले, तो इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। तो मतलब यहाँ पे दो तरह के स्केल होते हैं, और ये आपके पास डेप्थ को मेजरिंग करने के लिए होता है। यहाँ पे स्क्रू होता है जिसे मैं यहाँ पे लॉक कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसमें भी एक स्क्रू दे रखा है, यहाँ पे मैं इसका गुम हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं अगर मैं टाइट कर दूंगा तो इतना ही तक लाकर स्टेबल हो जाएगा, ये हिलेगा डुलेगा नहीं, तो मेजरमेंट हम अच्छे से कर सकते हैं। तो ये स्क्रू रहता है जिसे हम टाइट कर सकते हैं। तो कुछ ज्यादा इसमें पार्ट आपके पास तो है नहीं, ठीक है ना, एक फिक्स्ड जो है, एक मूवेबल जो है, एक स्क्रू है, और बस इतना ही है, बस दो तीन चीजें। उसके बाद आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि किसका यूज हम कैसे करते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन जो है एक्सटर्नल को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, एक्सटर्नल डायमेंशन को, इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए। अब ये बाहर बाहर से हम इसके ले लेंगे भाई यहां से रीडिंग, तो रीडिंग आपको लेना सिखा देंगे, वो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आप इस तरह से आप एक्सटर्नल ले सकते हैं। इंटरनल के लिए क्या कर सकते हैं आप, इंटरनल के लिए हम ना, इंटरनल डायमेंशन के लिए हम ऊपर वाले जॉस का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कैसे, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल के लिए, चलिए इसमें भी एक्सटर्नल बता देते हैं। एक्सटर्नल को हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं,
ये देखिए इस तरह से, फिर हम यहां से क्या करेंगे रीडिंग ले लेंगे भाई यहां से, ठीक है। लेकिन इंटरनल के लिए क्या करेंगे, इंटरनल के लिए हम ऊपर वाले जॉ का यूज करते हैं। आइए मैं समझाता हूं, इस तरह से ले आइए यहां पे, बिल्कुल सेट कर दिया, और अब अंदर से इस तरह से मेजरमेंट करेंगे, इस तरह से अंदर से डाल देंगे इसको और इसको एक्सपेंड करते चले जाएंगे इस तरह से, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों का इंटरनल वाला पार्ट बना टच हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ऐसे करके, ठीक है ना। तो इंटरनल वाले अंदर अंदर से वो मेजरमेंट करेगा, फिर हम यहां से क्या करेंगे वापस रीडिंग ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए एक्सटर्नल भी समझा दिया, इंटरनल भी समझा दिया। अब डेप्थ वाली बात आती है तो कैसे, तो डेप्थ वाली वापिस ले आते हैं, कोई छोटा सा ही चीज ले लो, क्या कुछ दिख भी नहीं रहा, छोटा सा चीज भाई, चलिए कोई बात नहीं। जैसे कि अब मेरे पास ये है, अब यहां से मेरे को डेप्थ मेजर करनी है ना, तो डेप्थ मेजर करने के लिए क्या करेंगे, इसको इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे इस तरह से, जहां तक जितनी आपको डेप्थ चाहिए, फिर इसको इसके अंदर डाल दीजिए आप इस तरह से, तो जहां तक भी जाए ये कहीं ना कहीं 12 सेंटीमीटर का ऐसा है, तो छोटा है ये मेरे पास, ये जो आपके पास वर्नियर कैलिपर है वो कहीं ना कहीं छोटा है, ठीक है ना। तो एक बड़ा सा ले लेंगे तो उसमें से और भी ज्यादा चला जाएगा, और यहाँ पे जहां तक जाएगा ठीक है, पूरा टच कर गया, दैट्स फाइन। अब आप यहाँ पे रीडिंग ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी डेप्थ है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन दिया है कि यूज कैसे करते हैं, और मतलब यूज किस किस के लिए करते हैं, और साथ ही कौन कौन से इसमें पार्ट्स है, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं, तो अब आगे की बात कर लेते हैं और फटाफट देख लेते हैं कि इसी में ही हम और क्या क्या चीजें हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए कि इसके जितने भी नेम है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इसके पर्टिकुलरली किस चीज के लिए, किस पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये काट कर दिखाएगा, काट कर दिखाने का मतलब ये है कि 15 सेंटीमीटर तक सारी चीजें लिखी नहीं गई है, ठीक है ना। तो ये बीच में से गायब करने के लिए, तो बोल आगे यहाँ से 15 सेंटीमीटर तक का ये आपके पास वर्नियर कैलिपर दिखाया गया, ठीक है। चलिए अब आपको एक चीज बता देते हैं, मैं आपको यहाँ पे फटाफट लिस्ट काउंट के बारे में हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिस्ट काउंट का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर कर सकता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसे हम उस डिवाइस का, उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट के नाम से जानते हैं। तो सर ये जो वर्नियर कैलिपर है वो कितना लिस्ट काउंट है, इसका लिस्ट काउंट क्या है, कितना ये मेजर कर सकता है मिनिमम वैल्यू को। तो आपको एक चीज बता दें, जो मीटर स्केल था आपके पास है ना, मीटर स्केल, उसकी जो मिनिमम वैल्यू थी लिस्ट काउंट, वो था आपके पास 0.1 सेंटीमीटर, कितना था 0.1 सेंटीमीटर, राइट, यही था ना। एक सेंटीमीटर को 10 हिस्से में डिवाइड कर रखा था, तो 1/10 0.1 सेंटीमीटर निकल कर आ गया था, या फिर आप इसी को डायरेक्टली 1 mm बोल दें तो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए वहीं पर जब हम वर्नियर कैलिपर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर की जब हम बात करते हैं तो इस केस में इसकी जो लिस्ट काउंट होती है, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में अगर मैं बात करता हूं तो डेसिमल के बाद एक डिजिट देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन 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 अगर मैं बात करता हूं वर्नियर कैलिपर की, तो ये मेजरमेंट जो आपको दे सकता है वो डेसिमल के बाद दो डिजिट की इन सेंटीमीटर, ध्यान से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.01, ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर, या फिर 0.1 mm आप कह सकते हैं, ठीक है। इतनी बात, तो 0.01 सेंटीमीटर के सबसे मिनिमम जो इसकी मेजरमेंट है वो ये कर सकता है, ये कहानी आपके पास। अब बात आती है सर ये कैसे निकलता है, कैसे क्या कहानी है इसके लिस्ट काउंट की, तो फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। लिस्ट काउंट अब फटाफट समझेंगे कि हमारे पास ये जो लिस्ट काउंट है वो किस तरह से निकाला जाएगा। लिस्ट काउंट समझ में आ गया कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटी से छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकती है, उसे हम लिस्ट काउंट के नाम से जानेंगे, ठीक है। चलिए तो लिस्ट काउंट को समझने से पहले थोड़ा सा हमें वर्नियर कैलिपर का कुछ चीजें समझने पड़ेंगी, जैसे कि मेन स्केल क्या है और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग वगैरह है, ये सारी चीजें क्या है। तो सबसे पहले यहां पे हम देख लेते हैं फटाफट क्लिक करके, इस वाले इमेज से आपको थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो मिल जाने वाला है, और थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक आइडिया जो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें दो चीजें दिखाई गई है, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। एक है आपके पास मेन स्केल, मेन स्केल आपको देख रहा है ये वाला बड़ा वाला, ये वाला यहां से लेकर यहां तक है ना, यहीं पे ऐसे करके काट दिया गया कि आगे हम और भी ले जा सकते हैं। और नीचे ये जो छोटा सा दिख रहा है यहां से यहां तक वाली स्केल दिख रही है, उसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। आप देख सकते हैं वर्नियर स्केल ये छोटी वाली है, वी से रिप्रेजेंट करेंगे आगे चल के, अभी हम इसी को ही।
और ये वाला आपके पास बड़ा वाला मेंस के लिए, जो कि आपके पास एस से रिप्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। ओके, तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम समझेंगे वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट है वो किस तरह से निकल कर आता है। बड़ी छोटी सी चीज है, आसानी तरीके समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस करें कि भाई इसका जीरो और इसका जीरो ना कोइंसाइड हो रहा है, बिल्कुल होना भी चाहिए, तभी आपके पास जो मेजरमेंट है वो करेक्ट आएगा। तो मेन स्केल का जो जीरो है वो और वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो दोनों एक जगह से होनी चाहिए, फिर जाकर आपके पास जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप देखिए इसका कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये आपके पास 9। लेकिन वहीं पे वर्नियर स्केल में आप काउंटिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये टोटल 10। अब यहां से आपको एक चीज छोटी सी समझ में आनी चाहिए कि मेन स्केल में, ध्यान समझिएगा, मेन स्केल में जो डिविजन है अच्छे से देखिए, वो थोड़े से ज्यादा बड़े बड़े हैं किसके मुकाबले, वर्नियर स्केल के मुकाबले, अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे। तो देखिए ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये जो गैप है मेन स्केल की जो गैप है ये वाले, वो थोड़े से ज्यादा है, क्या है, थोड़े से ज्यादा है, और वर्नियर स्केल के थोड़े से कम, छोटे बिल्कुल, थोड़े 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 थोड़े, इतना इतना कम होते गया, इतना कम होते गया, इतना कम हो गया कि मेन स्केल की जब 9 रीडिंग थी, 9 मेन स्केल में जब आपके पास 9 डिविजन्स थे, 9 डिविजन्स कह लीजिए, तो 9 डिविजन किसका, मेन स्केल का, मेन स्केल का, आप खुद देख सकते हैं यहां से यहां तक आपके पास कितने डिविजन है, टोटल 9 मेन स्केल के, कितने डिविजन हो गए, 9। वहीं पे आप वर्नियर स्केल की जो डिविजन देखेंगे वो यहां से लेकर यहां तक, देखिए वहीं तक लिया हमने, यहीं तक लिया, देखिए दोनों का सेम सेम पोजिशन नहीं, सेम जगह से स्टार्ट किया, सेम जगह पे स्टॉप किया। तो वहां पे हमने नोटिस किया कि जब मेन स्केल में 9 डिविजन होते थे उस टाइम पे आपके पास 10 डिविजन देखने को मिल गया हमें, किसमें 10 डिविजन देखने को मिल गया हमें, किसमें, यस वर्नियर स्केल में, वर्नियर स्केल में, बताइए हाँ या नहीं, आई ना बात समझ में, ठीक है। तो ये डिजाइन इस तरह से किया होता है कि मेन स्केल के जितने भी रीडिंग होंगे, जितने भी रीडिंग होंगे, ठीक उससे एक कम रीडिंग आपको देखने को मिलेंगे, डिविजन्स देखने को मिलेंगे, किसमें, वर्नियर स्केल में। आ गई होगी बात नहीं समझ में, ठीक है। चलिए तब यहीं से जो है वो हम आपको लिस्ट काउंट का फॉर्मूला जो है वो निकाल कर दे देंगे। आइए समझाते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एम डिविजन्स, एम डिविजन्स आर इन वर्नियर स्केल, वीएस लिख देता हूं, ठीक है। देन देन एम माइनस वन डिविजन्स, एम माइनस वन डिविजन्स विल बी इन मेन स्केल, बोलिए हाँ या नहीं, बस इतनी सी बात समझ लीजिए अच्छे से। जितने डिवीजन किसमें होंगे, वर्नियर स्केल में, जैसे कि 10 थे तो मेन स्केल में कितने देखने मिला था, 9, तो 10 माइनस 1, या फिर मेन स्केल सॉरी वर्नियर स्केल में जितने भी डिवीजन होंगे, जितने भी होंगे, उससे एक कम होगा किसमें, मेन स्केल में। तो अगर मैंने वर्नियर में m माना है तो एक कम कर दिया, m माइनस वन किसमें, मेन स्केल में, ठीक है। इस चीज को हम यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए अगर m डिवीजन था किसमें, वर्नियर स्केल में, m डिवीजन और v से वर्नियर स्केल में, तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे, m माइनस वन, m माइनस वन एक कम डिवीजन हो जाएंगे किसमें, मेन स्केल में, उसको हम s से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, मेन स्केल को। आई ना बात समझ में, बस यहीं से हमारा जो लिस्ट काउंट है जिसे हम वर्नियर कॉन्स्टेंट के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि वो फिक्स रहता है लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट आपके पास चेंज नहीं होता, बस वही काम हम यहां से करने वाले। तो फटाफट ऐसा कीजिए, एम वी इज इक्वल टू एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम एस माइनस एस, ठीक है ना। चलिए ये जो एस माइनस का इसको इधर भेज दीजिए तो प्लस का हो जाएगा, और ये उसको इधर भेज दीजिए तो माइनस का हो जाएगा, तो एम एस माइनस एम वी हो जाएगा। देख लीजिए इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, तो दोनों का साइन चेंज हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इन दोनों में से m को आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये बना लेगा m ब्रैकेट में s माइनस वी, और इधर बच गया आपके पास s। अब आप क्या कीजिए, यहां से m को डिवाइड में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास s माइनस वी। तो ये क्या हो गया आपके पास, मेन स्केल के डिविजन्स, मेन स्केल डिविजन्स, मेन स्केल डिविजन्स, राइट। अच्छा ये जो v है वो क्या हो गया आपके पास, वर्नियर स्केल डिविजन्स, वर्नियर स्केल डिविजन्स, बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब हम मेन स्केल डिवीजन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किससे, वर्नियर स्केल के डिवीजन से, तो कहीं ना कहीं वो जो वैल्यू है कांस्टेंट रहने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल, ठीक है ना। चलिए
ओके अब आप यहां पे देख सकते हैं आया हमारे पास s अपॉन में m, तो ये जो s माइनस v है ना, s माइनस v उसी को हम कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट, ठीक है जनी बात, इसको हम क्या कहेंगे वर्नियर कांस्टेंट, या फिर इसी का ही नाम दिया जाता है भैया लिस्ट काउंट, यही जो चीज है हमारे पास वो लिस्ट काउंट का काम करते हैं। ये वाला थोड़ा डिवीजन मत ही बोलिए मेन स्केल का, बस एस माइनस वी हम क्या है आपके पास सिर्फ स्केल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, एस से मेन स्केल और वी से वर्नियर स्केल और कुछ नहीं। तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपके पास लिस्ट काउंट कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं वर्नियर स्केल कहते हैं, ठीक है। अच्छा तो इधर क्या निकल कर आया सर, ये जो एस बाय एम है वो, ये जो एस है ना एस वो है आपके पास वन डिवीजन, वन डिवीजन ऑन मेन स्केल, क्योंकि वो मेन स्केल का था ना इसीलिए एस क्या था मेन स्केल, डिवाइडेड बाय में एम, एम हमें हमने किसको माना था याद कीजिए वर्नियर स्केल के डिवीजन को, तो आप यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ क्या वर्नियर स्केल, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल वी एस लिख देता हूं, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास s माइनस वी, जिसे हम लिस्ट काउंट के नाम से जानेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास जो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट LC, उसका फॉर्मूला आ गया s बाई m, ठीक है ना। s कितना है, s का मतलब है कि एक डिवीजन कितना है मेन स्केल में, वो होता है 0.1 सेंटीमीटर, कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। आइए समझा देता हूं कैसे, देख लीजिए आप एक जो ये जो डिवीजन है मेन स्केल के, देखिए यहां से लेकर यहां तक कितना है एक सेंटीमीटर, इस एक सेंटीमीटर को कितने हिस्से में बांट दिया गया है टोटल 10, तो 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक जो डिवीजन आएगा वो कितना आएगा 0.1 सेंटीमीटर, राइट। और 0.1 सेंटीमीटर को अगर मैं डिवाइड कर दू किससे, वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन से, जो कि 10 होता है ना, तो इसको हम 10 से और डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत, ये आपके पास लिस्ट काउंट निकल कर आ गया, ठीक है इतनी बात डन है, ठीक है ओके। तो बस ये कहानी हो गई आपके पास लिस्ट काउंट की, और ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब हम। ओके तो देखिए यहां पे आपके सामने एक छोटा सा फिगर रखा है मैंने, और यही इसी फिगर से एक्चुअली मैं आप लोगों को रीडिंग लेना सिखाऊंगा मैं। तो सबसे पहले ध्यान समझिएगा, जैसे कि मेरे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है ना, ये है। अब यहां पे मैं मान लेता हूं कि एक्सटर्नल डायमीटर, मान लेते हैं कि इस बॉटल की जो एक्सटर्नल डायमीटर है उसे मैंने मेजर करनी है, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसको मैं एक्सटेंड कर लूंगा, ऑफकोर्स एक्सपेंड कर लूंगा इस तरह से, और मान लेते हैं कि यहां से इस तरीके से मेरे को एक्सटर्नल डायमीटर क्या करनी है मेजर करनी, इस तरीके से, ठीक है ना। तो एक वैल्यू तो आपको मेन स्केल की दिखी जाएगी कि एक सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर, तीन सेंटीमीटर, चार सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर के बाद हमें रीडिंग लेनी है, क्योंकि वर्नियर स्केल उसी के हिसाब से आपके पास मूव हो जाने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अब मैं मान लेता हूं कि जब मैंने यहां पर एक्सटर्नल डायमीटर में कुछ भी रख कर और यहां पे मैं रीडिंग लेने के लिए गया तो मेरे पास कुछ इस तरह से मिला हुआ, इस तरह से देखिए यहां पे रीडिंग, ये मेन स्केल है, ये आपके पास वर्नियर स्केल है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखना है कि ये तीन के बाद आपके पास वर्नियर स्केल यहां पे आया, ये तीन और चार यहां पे है, ठीक है ना, यहां पे। तो 100% जो हमें वैल्यू मिलेगी आपके पास वर्नियर स्केल में वो 3 और 4 के बीच में मिलने वाला है, ये चीज आपको कंफर्म हो गया होगा, राइट ओके। अब ध्यान समझिएगा, तो 3 से लेकर 4 तक के बीच की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना है कि 3 तो भैया कंफर्म कर दिया हमने कि 3 सेंटीमीटर तो है ही है ना, 3 सेंटीमीटर तो हमारे पास है ही है, उसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, है ना। चलिए तो हमने बोल दिया कि 3 सेंटीमीटर फिक्स हो गया, अब उसके बाद की हम बात करेंगे, ठीक है, अब हम उसके बाद की बात करने वाले हैं, तो उसके बाद की बात कर लेते भाई। तो 3 सेंटीमीटर देखिए, एक चीज आपको बताऊं, जो मेन स्केल होता था मेन स्केल उसमें 3.1, 3.2, 3.3 ये सब तो हमें वैसे ही मिल जाता भाई, तो वर्नियर स्केल की क्या जरूरत पड़ गई, अब समझिएगा, क्योंकि वो 3.1 नहीं, 3.12, 3. डेसिमल के बाद 2 डिजिट दे सकता है सेंटीमीटर में। तो देख लीजिए 3 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद वर्नियर स्केल यहां तक आया, यहां तक आया। तो ये जो एक्स है, एक्स वो कितना है वही हमें पता करना। देखिए मैं आपको समझाता हूं, 3 सेंटीमीटर तो फिक्स है, फिर ये हो गया 3.1, ये बन गया 3.1, फिर ये बना लेगा 3.2, ये बना लेगा 3.3, और ये वाला है 3.4, लेकिन वर्नियर स्केल देखिए यहीं पे रुक गया, यहीं पे।
तो अगर यहीं पर रुक गया तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहां से ये वाला सिर्फ इतना, इतना कितना है, क्योंकि अगर 3.4 नहीं कह सकते क्योंकि इतना गैप बचा हुआ है, तो 3.3 और समथिंग है, तो ये जो 3.3 और समथिंग है ना, बस हमें इसी की जरूरत है, बस हमें इसी की जरूरत है, ये जो छोटा सा है ना उसे मान लेते हैं कि एक्स बोल दिया, तो हमें एक्स की जरूरत है, मतलब मेन स्केल की जो हमें, मतलब ओवरऑल जो हमें रीडिंग लेनी है, जो हमें मेजरमेंट निकल कर आएगी, वो कंफर्म है कि 3.3 सेंटीमीटर तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन उस 3.3 सेंटीमीटर में कुछ प्लस होने वाला है, और वो क्या होगा, एक्स सेंटीमीटर प्लस करना है, ये जो एक्स है ना, ये यहां इतना, ये जो छोटा सा एक्स है उसे हमें प्लस करना है, तो पहले उस एक्स को निकाल तो ले, अरे बस में उस समय उसको एक्स को निकाल तो ले, तब हम 3.3 में ऐड कर देंगे, तो आपको टोटल एक परफेक्ट जो रीडिंग है वो निकल कर आ जाएगी डेसिमल के बाद दो डिजिट। समझा देता हूं कैसे। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे चेकआउट करना है कि वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का कौन सा डिवीजन को इनसाइड हो रहा है, ठीक है ना, कौन सा डिवीजन को इनसाइड हो रहा है, समझा देते हैं। तो यहां से देखिए क्या ये और ये मिल रहा है, ये और ये नहीं मिल रहा है, क्या ये और ये मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, क्या ये और ये मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, क्या ये और ये मिल रहा है, अरे भाई सब ये देखो परफेक्ट परफेक्ट मैचिंग हो गई इनकी, तो ये वाली डिवीजन और ये वाली डिवीजन आपके पास परफेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या हो चुका है, कोइंसाइड हो चुका है, राइट। तो बस ये हो गया मेरे पास फोर्थ डिवीजन ऑन द, देखिए फोर्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग लिखा है आपके, तो जो फोर्थ वाला डिवीजन है किसका, वर्नियर का चेकआउट करना है, वर्नियर का किसके साथ, मेन स्केल के साथ, तो जो कोइंसाइड होगा वो आपके पास एक्स का काम करेगा, लेकिन साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है उसे लिस्ट काउंट से, उसे मल्टीप्लाई करना है लिस्ट काउंट से, ये एक्स का फॉर्मूला समझ लीजिए आप एक तरीके से, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट आपको पहले सिखा दिया 0.01 है, तो ये एक्स की जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आ जाएगा, 0.04 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल जो रीडिंग था वो क्या था, 3.3 सेंटीमीटर प्लस में एक्स, तो एक्स आपने निकाल दिया 0.04 सेंटीमीटर, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 0.34 सेंटीमीटर। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत भाई, देखिए कितना आसान था, सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको इसमें करना था, मेरे हिसाब से आपको दिख नहीं रहा तो इधर करके दिखा देता हूं। देखिए जो रीडिंग लेनी थी आपको वो ऐसे लेनी थी, 3.3 सेंटीमीटर प्लस में एक्स सेंटीमीटर। अब ये जो एक्स निकाली जाएगी वो कैसे निकलेगी पता है, एक्स निकलेगी कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, तो फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, तो आपको क्या लेना है, 4, क्या लेना है आपको, 4, उसे मल्टीप्लाई कर देना किससे, लिस्ट काउंट से, लिस्ट काउंट से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स निकल जाएगा। तो फोर्थ डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा था उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, 0.01 बताया था ना अभी लिस्ट काउंट, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 0.04 सेंटीमीटर। तो ये 0.04 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर दीजिए, आपकी रीडिंग तैयार, 3.3 सेंटीमीटर प्लस में 0.04 सेंटीमीटर, तो ऐड कर देंगे 3.34 सेंटीमीटर आ जाएगा, यही आपके पास जो रीडिंग है वो निकल कर आ गई, मेजरमेंट आपकी डन हो गई। आगे बात समझ में, नॉर्मल सी बात थी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, अब आपके पास आता है यहाँ पे जीरो एरर, क्या कहते हैं इसको, जीरो एरर, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक चीज बता देता हूं मैं, एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं नो जीरो एरर, समझाता हूं कैसे, कब कैसे क्या कहेंगे, नो जीरो एरर, नो जीरो एरर। देखिए नो जीरो एरर का मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं है, कुछ भी एरर नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, जो कि 99% केसेस में ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ एरर हमें देखने को जरूर मिल जाता है, राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पे आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेन स्केल का जो जीरो वाली रीडिंग है, जीरो वाली, वो वर्नियर स्केल के जीरो वाले से कोइंसाइड हो जा रहा है, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। जब भी आप रीडिंग लें तो ये चीज जरूर जरूर से आपको चेक करनी है कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड हो रहा है या फिर नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो उस इंस्ट्रूमेंट में एरर है, उस एरर को हमें दूर करने के लिए भी समझा देता हूं किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहां पे तो मैं फिलहाल देख पा रहा हूं कि भैया दोनों का जीरो जीरो वाला कोइंसाइड है, कोइंसाइड हो रहा है, तो उसी चीज को कहते हैं नो जीरो एरर, इसका मतलब किसी भी तरह का एरर नहीं है, नो जीरो एरर का मतलब है कि कोई भी एरर नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। लेकिन अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हो जाता कि ये वर्नियर स्केल वाला इधर हो जाता, ये यहीं पे रहता मेन स्केल, या फिर इधर हो जाता,
तो दिक्कत हो जाती, तो आपके पास एरर आ जाता। उस केस में हम कहते हैं कि जीरो एरर है। देखिए जीरो एरर उल्टी है यहाँ पे चीजें, ध्यान समझिएगा। जीरो एरर का मतलब वहां पे एरर है कुछ ना कुछ, और नो जीरो एरर का मतलब वो परफेक्ट है, किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं इसकी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहां की अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा मेन स्केल का जीरो ये रहा, दिख गया आपको। लेकिन आप देखिए वर्नियर स्केल का जीरो कहां है, इधर है, ये वाला। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं क्या, ये तो यहां है और ये इधर है, थोड़ा सा ये इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, तो ये कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। और जब ये कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, इट मींस देयर इज जीरो एरर। और ये जो जीरो एरर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ये जो जीरो एरर होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, और दूसरा होता है आपके पास नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक नेगेटिव जीरो एरर। तो सर बता दीजिए फटाफट क्या होता है। तो पॉजिटिव जीरो एरर समझा दे, तो पहले ये आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर का एग्जांपल है। अब बात आते ही कब कहेंगे कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है, तो समझा देते। देखिए इधर, इफ इफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, ध्यान समझिएगा, इफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज राइट साइड टू द जीरो ऑफ द मेन स्केल, देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव जीरो एरर। आई ना बात समझ में। अगर आपके पास जो जीरो वाला पोजीशन है किसका, वर्नियर स्केल का, वो राइट साइड में है, किसके, मेन स्केल के जीरो वाले पोजीशन से, तब आपके पास पॉजिटिव एरर है। और यहां पे कुछ वैसा ही केस आपको देखने को मिल रहा है, देख लीजिए आप यहां पे, है ना, ये जो जीरो एरर है वर्नियर स्केल का वो राइट साइड है, किसके, जीरो एरर ऑफ द मेन स्केल के। आई ना बात समझ में। तो इसको कहते हैं जीरो पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, चलिए तो बात सर अब हम इसे सही कैसे करेंगे। ठीक है ना, अब इसे सही कैसे करेंगे, क्या होता है ये एरर कब अराइज होता है, जब कई बार ये वाले जॉ जो है वो कम्प्लीटली एक दूसरे से अटैच नहीं होते, थोड़ा इधर बढ़ गया, फिर थोड़ा सा खुला रह गया, या फिर कुछ जब बना रहे थे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीजों से ये एरर हमारे पास अराइज हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो फिर भी हमें रीडिंग लेनी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं समझा देते हैं। अगर पॉजिटिव एरर आया तो उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है टोटल रीडिंग में से। टोटल रीडिंग आपको सिखा दिया कैसे लेते हैं, उसमें से आपको पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर नेगेटिव एरर आया तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब नेगेटिव एरर भी साथ में समझ लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, आपको एक चीज समझ में आ गया कि अगर वर्नियर स्केल का अगर जीरो राइट साइड हो तो पॉजिटिव जीरो एरर, लेकिन अगर लेफ्ट साइड हो तो क्या कहेंगे, नेगेटिव जीरो एरर। ये आप देख सकते हैं इस केस में मेन स्केल की रीडिंग ये रही और इसका जीरो ये रहा लेफ्ट साइड में, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव जीरो एरर। आई ना बात समझ में। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर कितना है, यहां पे कितना है, कैसे पता चलेगा कितना एरर है और कितना सब्ट्रैक्ट करना है। अगर पॉजिटिव एरर है तो सब्ट्रैक्ट करना होता है टोटल रीडिंग में से, जैसे हमने अभी निकाला था 3.34 सेंटीमीटर, तो उसमें से हम एरर अगर होता तो उसे हम सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है ना, अगर पॉजिटिव एरर होता तो, और अगर नेगेटिव एरर होता तो हम उसमें ऐड करते, तब हमारे पास जो वो परफेक्ट वैल्यू निकल कर आती। ठीक है, ओके सॉरी। तो चलिए अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि किस तरीके से और कितनी वैल्यू आपको जब पॉजिटिव एरर आएगा, जब पॉजिटिव एरर जीरो पॉजिटिव एरर आएगा तो सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, आई होप वैसे तो आप सभी को चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर फिर भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है, चीजें अच्छे समझ में नहीं आ रही है, तो उस केस में 7428 5256 and 69 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स को भेज सकते हैं, आपको एक प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। और अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, इफ यू थिंक दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन व्हाट यू कैन से इज यू कैन मैसेज मी फॉर पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है ना, पर्सनल ऑनलाइन क्लास। इस पर्सनल ऑनलाइन क्लास की खासियत ये है कि मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा पूरे एक घंटे, और उस एक घंटे के इंटरवल में आप लोगों को जो भी डाउट होगा, इफ यू विल हैव डाउट इन एनी क्वेश्चंस, इफ यू विल हैव एनी डाउट इन कॉन्सेप्ट ऑफ एनी चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, देन आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स ऑफ योर्स। ओके, चलिए, बट ध्यान रहे ये जो क्लासेस पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे जहां पे हम आपके साथ बैठेंगे पूरे एक घंटे, है ना, फॉर वन आवर, तो वहां पे आपके पास वो जो क्लासेस रहेंगे वो पेड रहेंगे। ठीक है ना, चलिए वापस आते हैं यहाँ पे।
तो जीरो पॉजिटिव एरर कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज पता है कि ये राइट साइड है वर्नियर स्केल का जीरो वाली रीडिंग, इसीलिए पॉजिटिव एरर है। ठीक है, जीरो पॉजिटिव एरर या फिर पॉजिटिव जीरो एरर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अब चीजें को समझिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ज्यादा आसान। सबसे पहले आपको अगेन वही चेकआउट करना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी ऐसी रीडिंग है जो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन वाले से। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये देखिए, ये वाली चीज ना परफेक्ट, ये वाली जो चीज है वो परफेक्ट क्या हो रहा है आपके पास, कोइंसाइड हो जा रहा है। तो जो भी कोइंसाइड होगा वो वाली डिवीजन लेनी है, जैसे कि फोर्थ वाली डिवीजन कोइंसाइड हो रही है फोर्थ, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है लिस्ट काउंट से। तो 4 × 0.01 कितना आ जाएगा, 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो चीज आई है इसी चीज को हम कहते हैं जीरो पॉजिटिव एरर। आई ना बात समझ में, या फिर पॉजिटिव जीरो एरर जो भी है। तो जीरो पॉजिटिव एरर ये जो आया है आपके पास, जीरो पॉजिटिव एरर आया है, इसको आपको क्या करना है, ये प्लस का है। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। इसको क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चाहे आप प्लस माइनस कुछ भी ना लेके कोई दिक्कत वाली है, जो भी निकल कर आएगा उसे आपको याद रखना है कि सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, मेन रीडिंग में से। मान लेते हैं कि हमने अभी जो पिछले वाली रीडिंग ली थी उसमें आपके पास जो रीडिंग आई थी वो 0.34 सेंटीमीटर आई थी, लेकिन वो यहां से स्टार्ट होकर हमने रीडिंग ली थी, इसका मतलब वो पॉजिटिव एरर, ये इतना पॉजिटिव एरर आया। तो इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.04 सेंटीमीटर और जो भी आएगा वो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो लिखा जाएगा। आई ना बात समझ में। चलिए अब हम नेगेटिव एरर की बात करवा देते हैं आपके सामने। अब नेगेटिव एरर के केस में भी वही कहानी भाई, लेकिन इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, फिर से वही चेकआउट करेंगे कौन सा कोइंसाइड हो रहा है। तो जैसे ये वाला कोइंसाइड हो रहा है तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 छठा वाला, सिक्स्थ डिवीजन जो आपके पास कोइंसाइड हो रहा है, तो 6 × लिस्ट काउंट, तो 6 × लिस्ट काउंट इज 0.01 विच इज 0.06 सेंटीमीटर। नहीं, ऐसा नहीं करना बच्चा, इसमें नहीं करना, नेगेटिव एरर में ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है ना, नेगेटिव एरर में ये जो भी डिवीजन होता है, ये जो भी डिवीजन होता है, क्योंकि टोटल 10 होता है, तो 10 में से माइनस कर लेना है इसको और उसको फिर मल्टीप्लाई करना है लिस्ट काउंट से। तो इस केस में भी 4 आ जाएगा, 4 × 0.01 विच इज 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है नेगेटिव एरर में, ये एक स्पेशल केस है। आई ना बात समझ में। ठीक है, तो 10 में से माइनस करना है जो भी डिवीजन कोइंसाइड हो रहे हैं नेगेटिव एरर के केस में, पॉजिटिव में तो सीधा है लेकिन नेगेटिव में ऐसा करना है आपने। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आएगा फिर आपकी बार ये वाली वैल्यू को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। पहले वाले में सब्ट्रैक्ट करा था, जब जीरो पॉजिटिव एरर निकाला था अभी 0.04, तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया था। अब मेन रीडिंग में से जो हमने फाइनल रीजन निकाल रखा है ना, उसमें से एरर को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऐड करना पड़ेगा। बोले सर एरर को तो ऐड कर रहे हो, ये तो गलत बात है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना है। एक्चुअल में हम इस वाली वैल्यू को कैलकुलेशन करते हैं और कुछ नहीं, ये वैल्यू को क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे। ठीक है ना, तो ऐड करने के बाद वो वाली जो एरर है वो हट जाता है, इस तरह से नेगेटिव के केस में। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होंगी सारी की सारी चीजें। ठीक है, और अगर ऐसा है तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आपके चैनल पर एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।